नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पल पल की खबरें आपको दिखाता रहता है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में कुछ प्रधानों द्वारा सरकार के मंशा के खिलाफ काम किया जाता है, जिससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है। ऐसा एक मामला आज जिलाधिकारी कार्यालय पर देखने को मिला, जहाँ पंचायत भवन और शौचालय का निर्माण न कराए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर मांग पत्र देने आए ग्रामीणों के साथ रणजीत चौहान ग्राम गोपालपुर ब्लॉक व तहसील मेहनगर ने हमारे संवाददाता को बताया कि हमारे ग्राम पंचायत गोपालपुर में पंचायत भवन एवं शौचालय का निर्माण शासन द्वारा होना है। विगत दिनों ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें गांव के अराजी नंबर 486 जो मध्य में पड़ती है और आबादी के पास है, सुविधा की दृष्टि से पंचायत भवन एवं शौचालय के निर्माण की सहमति बनी। मौके पर लेखपाल की मौजूदगी में सीमांकन किया गया, परंतु चिन्हित स्थान की जगह पर दूसरी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग किया कि उक्त प्रकरण की मौके की जांच कराकर जनहित को देखते हुए चिन्हित स्थान पर ही पंचायत भवन शौचालय का निर्माण कराया जाए। गैर कानूनी ढंग से जनता के हित के विरुद्ध प्रधान द्वारा निर्माण को रोका जाए। आइए सुनाते हैं कि रणजीत चौहान ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम रणजीत चौहान है, ग्राम भोपालपुर पोस्ट बीवीपुर जिला आजमगढ़। क्या मामला सर? मामला ये है कि शासन द्वारा जो पंचायत भवन और शौचालय हर ग्राम सभा में दिया जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो शौचालय ग्राम पंचायत भवन एक सार्वजनिक स्थान पर और सार्वजनिक के लाभ के हित में बने, जो कि सर वो 3 तारीख को क्यों को मतलब है, जो कि हम 3 तारीख को 3 सितंबर को प्रधान द्वारा गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें उसमें सारे गांव के लोग सहमति जगाएं उस जीएस जमीन को, जो कि उस नंबर है 486, उस नंबर को लेखपाल प्रधान के द्वारा लेखपाल महोदय जी को बुलाया गया और लेखपाल जी ने सीमांकन किया कि यहां से यहां जीएस जमीन है, पंचायत भवन और शौचालय के लिए पर्याप्त है, जो कि वहाँ न बनकर इसकी प्रक्रिया कहीं और दूसरे जगह की जा रही है, जिससे हम लोगों को काफ़ी आपत्ति है। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि जो सीमांकन किया गया जीएस जमीन पर, उसी पर ही शासन द्वारा दिया गया पंचायत भवन और शौचालय बने, जिससे गांव के हित के लिए कार्य काम में आए।